गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है CC4, इसका सिलेबस लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीए सेमेस्टर 2 के पेपर CC4 में हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1857 टू 2000 पढ़ना है। इसमें कुल 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। इन चारों यूनिट के अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा पहला यूनिट है द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन झारखंड, जिसके अंतर्गत हमें दो आंदोलनों के विषय में पढ़ना है। हमारा जो दो आंदोलन है वह है बिरसा मुंडा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन। ये दो आंदोलन हम कंप्लीट कर लेंगे इस यूनिट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यूनिट 2 जो है उसमें झारखंड एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। तो इसमें हमें कुल 4 सेक्शन में बटे हुए हैं। जो हमारा सेक्शन ए है वह है 1857 का विद्रोह और झारखंड, अर्थात 1857 के विद्रोह का झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ा और झारखंड के साथ उसका क्या संबंध है, इस विषय को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन झारखंड, यानी असहयोग आंदोलन जो भारतवर्ष में 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय को हमें पढ़ना है सेक्शन बी में, इस यूनिट के यूनिट 2 के सेक्शन बी में, ठीक है। इसके पश्चात हमारा जो सेक्शन 3 है सी है, उसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन झारखंड। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी आंदोलन, झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन। उसके अंतर्गत कई आंदोलन हैं, हम एक एक कर उसके बारे में आपको बताएंगे। तत्पश्चात हमारा जो चौथा जो इसका ये है सेक्शन डी, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड, इस विषय को हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो तीसरा यूनिट है जो है द क्रिश्चियन मूवमेंट इन झारखंड, अर्थात क्रिश्चियन मूवमेंट का अर्थ है कि भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई उसके बाद ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात उन्होंने कुछ आंदोलन चलाया जो मुख्य रूप से एजुकेशन और हेल्थ, इन दो सेक्शंस में हमें देखने को मिलता है। तो हमें झारखंड में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में पढ़ना है हमारे सेक्शन 3 में। और हमारा जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन 4, उसमें झारखंड मूवमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट पढ़ना है। इसके तहत हम देखते हैं कि झारखंड मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, अर्थात झारखंड आंदोलन ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड आंदोलन के बारे में पढ़ाई करनी है। और इसके साथ साथ हमारा जो सेक्शन बी है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, अर्थात आज़ादी के बाद जो झारखंड आंदोलन चला और उसके तहत जब झारखंड अलग पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, इस विषय पर हमें पढ़ाई करनी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत 1857 से लेकर 2000 ईस्वी तक, अर्थात झारखंड राज्य के गठन तक के इतिहास के बारे में इस पेपर में पढ़ाई कर दी है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं इस सिलेबस के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा मैं हर एक यूनिट के कंटेंट को आपके यूट्यूब में हमारे यूट्यूब चैनल्स में डाल दूंगा। आप एक एक करके उनको देखते रहिए और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहिए। अभी लॉकडाउन लगी हुई है और ये कब तक चलेगी इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक्स वहाँ अपलोड कर देंगे। आप उनका निरंतर अध्ययन करते रहिए, बाकी जब कॉलेज खुलेगी तो विस्तार से हम उस पर क्लास ले लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।